बड़ी खबर सियासी मोर्चे से जुड़ी, आपको बता दें पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर पप्पू यादव अड़े हुए हैं। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव 2 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन करेंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पप्पू यादव नाराज चल रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने इस उम्मीद के साथ कि पूर्णिया से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से पूर्णिया सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, जिसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन बिहार में बना है उसमें तनातनी भी देखने को मिली। लेकिन इस बीच पप्पू यादव लगातार ये कहते रहे कि वो पूर्णिया से ही हर कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। सुनिए जरा। सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। इसीलिए जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व देगी उस कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। विश्वास मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पद नहीं, बिना पद के भी कोरोना और पटना के बारे में लोगों की सेवा की है। चुनाव लड़ना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं और से नहीं। देखिए, वो तो बड़े हैं, आग्रह हैं, महागठबंधन का जो है उनको निभाना चाहिए। गठबंधन का जो कांग्रेस है, सभी दल है, आरजेडी है, वाम दल है, कम्युनिस्ट है, माले है, और सभी दल मिल करके जो है कि मुझे कैंडिडेट बना करके महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। तो सभी नेता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और इस तरह से जो है कि हमारे आदरणीय पप्पू जी हैं, तो जो है कि पार्टी का उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस में है, फिलहाल ही कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं, और पूरे देश का लड़ाई है, पूर्णिया का लड़ाई नहीं है। तो पूरे देश का लड़ाई में इस तरह से करेंगे तो अच्छा बात नहीं है। उनसे यही हम आग्रह करेंगे, वो तो गार्जियन है, गार्जियन के तरह जो है ना फर्ज निभाने का काम करें, हम वही यही हम निवेदन करेंगे। तो पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अपना जो बयान है वो दे दिया है, इसी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी और आरजेडी ने पप्पू यादव के फैसले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी किस पे तरस खाए, पप्पू यादव पे तरस खाए कि कांग्रेस पे तरस खाए? पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए हैं, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। लगातार पप्पू यादव भी नाराज चल रहे हैं और उन्होंने सीधे अल्टीमेटम दे दिया है कि कुछ भी हो जाएगा, हार जाएंगे, जी मरेंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है, जहां वो हैं वो निर्णय उनको लेना है, वो सवाल उनसे हो सकता है, राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब गठबंधन